थिंग्स टू। हाय यू गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज खुशी एंड आई नो आप में से काफी लोग यही सोच रहे होंगे कि ये कैसा वीडियो हुआ, यू नो मिस्टेक्स टू अवॉइड वाइल वॉशिंग अ फेस, क्योंकि हम क्या ही मिस्टेक्स कर सकते हैं वाइल वॉशिंग अ फेस। बट ट्रस्ट मी, है कुछ मिस्टेक्स, क्योंकि मैंने भी कुछ पढ़ी तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि मैंने पहले कर रखी है एंड कुछ जैसे मैं अभी भी कभी ना कभी कर ही लेती हूँ, विच इज नॉट राइट। सो इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड और इफ यू आर समवन जिसने अभी रिसेंटली यू नो स्किन केयर स्टार्ट किया है, एंड आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हम 3000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, विच इज क्रेजी एंड थैंक यू सो मच। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एंड वेरी कॉमन मिस्टेक, दैट इज नॉट वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर फेस वॉश, क्योंकि हाथ में जो भी बैक्टीरिया है वो सीधा फेस पे ही जाएगा। एंड मेरे साथ क्या होता है, मैं हमेशा स्किन केयर करने से पहले मैं अपने यू नो बाल कंघी कर लेती हूँ, अगर मुझे बाल में तेल लगाना है तो मैं वो कर लेती हूँ। एंड मेरे पहले मैं जो करती थी, मैंने मान लो अगर तेल लगाया है बालों में तो वही तेल के हाथों से मैं फेस वॉश कर लेती थी, मैं बिल्कुल अपने हैंड वॉश बिल्कुल भी नहीं करती थी। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ एंड मैंने कहीं पढ़ा भी एंड फिर मैंने ध्यान दिया कि मैं गलती कर रही हूँ नहीं, एंड मैंने नोटिस किया कि मैं काफ़ी ज़्यादा कर रही हूँ, तो उसके बाद से मैं अपना हैंड वॉश करने लग गई। यू नो हैंड वॉश तो वैसे ही करना चाहिए क्योंकि कोविड की सिचुएशन है, बट स्टिल अभी अगर मैं फेस वॉश भी कर रही हूँ तो मैं एकदम अच्छे से पूरा अपना हैंड वॉश कर रही हूँ एंड फिर उसके बाद ही मैं फेस वॉश कर रही हूँ, एंड उससे पहले मैं अपने फेस को टच भी नहीं करती। अगर मैं यू नो बाहर से भी आती हूँ तो मैं मास्क हटाती हूँ एंड मैं अपने फेस को टच भी नहीं करती, मैं पहले पूरा हैंड वॉश करूँगी, पहले सैनिटाइज करूँगी, देन हैंड वॉश करूँगी थोड़ी देर बाद, एंड फिर जाके मैं अपना फेस धोती हूँ। सो द नेक्स्ट थिंग जो हमें रियलाइज नहीं होती काफ़ी बार एंड उससे स्किन को काफ़ी नुकसान होता है, दैट इज़ नॉट यूजिंग द राइट क्लेंजर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए आपकी ड्राई स्किन है, अगर आप फोमिंग फेस वॉश यूज़ करें तो आपकी स्किन और ड्राई हो जाएगी, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको यू नो क्रीम बेस्ड फेस वॉशेज यूज़ करने चाहिए, जिसकी वजह से आपको जो नेचुरल ऑयल स्किन का वो ना निकले। आपको कैसे पता चलेगा कि आप गलत फेस वॉश कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई भी अपना फेस वॉश लीजिए जो आप यूज़ करते हैं एंड आप फेस वॉश कीजिए एंड एक घंटा रुकिए, अगर आपको नॉट एक घंटा 15-20 मिनट्स फेस वॉश के बाद, एक घंटा वो तो उसके लिए होता है स्किन टाइप देखने के लिए कि आपकी कौन सी है, बट इस केस में आप अपना फेस वॉश कीजिए 15-20 मिनट्स रुकिए, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू ना आपकी स्किन खिंच रही है ड्राई हो रही है, देन आप गलत फेस वॉश यूज़ करें, क्योंकि वो पूरा जो आपका नेचुरल ऑयल है वो पूरा निकाल दे रहा है, स्किन को हद से ज़्यादा ड्राई कर रहा है। तो अगर आपके साथ ये सिचुएशन हो रही है तो आप डेफिनेटली यू नो गलत फेस वॉश यूज़ करें। एंड इफ यू आर समवन विद ऑयली स्किन एंड अगर आप क्रीम बेस्ड फेस वॉश यूज़ कर रहे हो एंड उसके बाद भी आपको यू नो ग्रीसी लग रहा है, देन ऑल्सो इट्स नॉट फॉर यू, क्योंकि वो पूरा अच्छे से ऑयल नहीं निकाल पा रहा है। सो चूजिंग अ राइट क्लेंजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयली स्किन वाले केसेस में स्किन अच्छे से क्लीन नहीं होगी एंड ड्राई स्किन वालों में स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। द नेक्स्ट थिंग इज यूजिंग हार्श टॉवल्स ऑन योर फेस। आई मीन मैं तो खुद कभी यू नो टॉवल्स उतना ज़्यादा यूज़ करती भी नहीं, बट अगर मैं किसी इमरजेंसी में मुझे कहीं यू नो बाहर जाना है या कुछ काम है तो मैं अपनी माइक्रोफाइबर वाली टॉवल लेती हूँ, क्योंकि फेस पे काफ़ी ज़्यादा जेंटल होते हैं ना, उसको जेंटली पैट करती हूँ। रब कभी मत करना क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्श हो जाएगा, आपको पैट करना है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो मैं बस यू नो फैन से ही उसको सूखने देती हूँ, मैं कुछ टॉवल यूज़ नहीं करती, तो हार्श टॉवल यू नो काफ़ी ज़्यादा हार्श हो सकती हैं स्किन पे, तो उनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट थिंग इज नॉट वॉशिंग योर फेस आफ्टर मेकअप, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेकअप रिमूव नहीं करोगे, आप मेकअप लगा ही आप सो जाओगे, देन वो आपके पोर्स बहुत गंदी तरह से क्लॉग हो जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाएगा, स्किन पे पूरा टेक्सचर आ जाएगा। सो क्लीनिंग योर फेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो डबल क्लेंजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार में मेकअप नहीं निकलता एंड बस फेस वॉश से मेकअप नहीं निकलता, ट्रस्ट मी नहीं निकलता। मैंने सिंपल लिपस्टिक एंड मस्कारा एंड मैंने आईब्रोज कर रखे हैं, तीन चीज़ अगर मैं फेस वॉश करूँगी तब भी ये नहीं निकलेगा, मुझे माइसेला वाटर यूज़ करना ही पड़ेगा। सो दैट्स वाई डबल क्लेंजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट जो आपको क्लेंजर होगा, जो क्लेंजिंग ऑयल क्लेंजिंग बाम क्लेंजिंग मिल्क जो भी आप प्रेफर करो, वो आपके एक्चुअली मेकअप को मेल्ट करता है एंड आप फिर आराम से उसको वाइप कर सकते हो, एंड देन उसके बाद आप एक फेस वॉश यूज़ कीजिए जो यू नो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, जो भी आपकी स्किन टाइप है, ताकि वो जो भी एक्सेस बचा हुआ मेकअप जो मेल्ट नहीं हुआ है जो बच गया है तो वो सब निकाल चुके हैं, क्योंकि पेड़ पे जाने से पहले यू नीड टू क्लीन योर फेस, यू नो आपकी स्किन पूरी क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्लॉग हो जाएंगे पोर्स।
सो एज आई टोल्ड यू गाइज, मैं उतना स्किन केयर में नहीं थी, ये बस यू नो घर में कोविड एंड ऑल, एक्ने, यूट्यूब, तो इसी की वजह से मैं स्किन केयर एंड ऑल में इतना आई हूँ, मैं उतना पहले नहीं थी। बट लिटरली मैं पहले जब फेस वॉश यूज़ करती थी, मैं इतनी बुरी तरह से करती थी, जैसे एड में नहीं, रील्स में आता ना हाउ गर्ल्स वॉश देयर फेस एंड हाउ बॉयज देयर, बॉयज में पूरे ऐसे ऐसे कर रहे हैं एकदम ऐसे ऐसे यू नो बहुत हार्शली रब कर रहे हैं, मैं लिटरली वैसे ही करती थी। बस मेरा ये मतलब था जितनी जोर से मैं रब करूंगी उतना ही वो पूरा डर्ट एंड कचरा निकालेंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। यू नीड टू बी वेरी जेंटल विद योर स्किन, एंड अगर आपको एक जो भी आप जो भी क्लेंजर यूज कर रहे हो आपको यू नो उसको राइट वे में यूज करना है। मेरी तरह जैसे यू नो जो मैं पहले करती थी एकदम जोर जोर से हार्शली रब करना, वो नहीं करना। यू नीड टू बी वेरी जेंटल एंड एक मिनट तक करना है। जब मैं पहले करती थी मैं लिटरली 20-30 seconds ही करती थी, उससे ज़्यादा नहीं, बट अब मैं पूरा 1 minute करती हूँ। बहुत जेंटली पूरे फेस को मैं कवर करती हूँ एंड अपनी नेक को भी, एंड बहुत जेंटली सर्कुलर मोशंस में जाती हूँ ताकि वो पूरा डर्ट एंड ऑल आराम से निकल जाए। एंड वो ही आपको करना है, बिल्कुल मेरी तरह हार्श बिल्कुल मत हो जाना। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट थिंग इज अप्लाइंग योर क्लेंजर ऑन ड्राई स्किन। एंड जितना यू नो मैंने नोटिस किया, मैंने भी एक दो बार ये गलती की है, तो स्किन इतनी ज़्यादा यू नो रफ हो जाती है एंड जो फेस वॉश होता है वो चीक्स पे ही रह जाता है, पूरे फेस पे यू नो फैलता नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। एंड फिर मैंने जाके थोड़ा सा पानी मारा एंड फिर जाके पूरे फेस पे फैला, तो वही उससे बेटर आप क्या कीजिए, आप अपने हैंड वॉश कीजिए, थोड़ा सा पानी अपने फेस पे डालिए एंड जो अपना फेस वॉश है उसको हाथ में लेके अच्छे से उसको यू नो 10 seconds तक आप उसको एकदम अच्छे से दोनों हाथों में रब कीजिए ताकि वो इमल्सीफाई हो जाए एंड फिर जाके आप अपने फेस पे लगाइए। इतना आराम से, इतना स्मूथली आपका वो फेस क्लीन करेगा, बिल्कुल हार्श होने की जरूरत नहीं है। एंड आप ऑब्वियसली ड्राई स्किन पे मत लगाना, आई मीन आई नो स्किन केयर इज सब्जेक्टिव, अगर आपको लग रहा है कि यू नो ड्राई स्किन पे लगाने से ही मेरा अच्छे से फेस वॉश क्लीन हो रहा है देन गो फॉर इट, बट नहीं, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरी स्किन बल्कि और यू नो ड्राई एंड खिंचने लग गई, तो वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। ऑल्सो वीडियो खत्म होने से पहले आई वुड लाइक टू से प्लीज़ स्टॉप आस्किंग मी अबाउट एक्ने, क्योंकि मैं एक्ने के बारे में आपको क्या ही बताऊं। जब मैं खुद एक डर्मेट के पास गई, यू नो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ब्लेमिशेस, एक्ने स्कार्स, हाइपरपिगमेंटेशन, ये सब अलग चीज़ें, क्योंकि मैं खुद ये प्रोडक्ट्स यू नो यूज़ कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कैसे मेरी स्किन पे काम करें, कितना इफेक्टिव है, कितने मेरे स्कार्स कम कर रहे हैं, तो मैं आपको उनके बारे में कुछ बता भी सकती हूँ। बट एक्ने के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर के पास गई, उनने जो मुझे मेडिसिन दी उन्हीं से जाके मेरा एक्ने ठीक हुआ है। सो जो भी मुझसे एक्ने का यू नो पूछ रहा है, मैं कुछ आंसर भी नहीं कर रही हूँ। एंड अगर आप पूछ भी रहे हो तो आई वुड लाइक टू से वन थिंग ओनली, कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, दैट्स इट। एंड उसके आगे मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।